धनतेरस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिवाली लक्ष्मी देवी के पूजन का त्योहार है। धन संपदा और शांति के लिए लक्ष्मी जी का दिवाली पर विशेष पूजन किया जाता है। और दिवाली से ठीक दो दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। और यही कारण है कि भगवान धन्वंतरी को औषधि का जनक भी कहते हैं। तो आइए हमारे साथ आज इसी अवसर पर, धनतेरस के शुभ अवसर पर, इसके शुभ मुहूर्त क्यों मनाया जाता है, यह धनतेरस त्योहार, धनतेरस के दिन क्या हमें अवश्य करना चाहिए, धनतेरस से जुड़ी पौराणिक एवं पौराणिक कथाएं, कौन है धनतेरस के देवता, भगवान धन्वंतरी क्या कहते हैं, ये सभी चीजों का जिक्र पुराण में है। धनतेरस के टोटके क्या हैं, धनतेरस का मतलब क्या है, इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, आइए इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। धनतेरस का शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। अगर प्रथा की बात की जाए तो धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोक मान्यता यह भी है, इस दिन धन खरीदने से, यानी कि किसी वस्तु को खरीदने से उसमें 13 गुना गुण की वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर के आसपास या खेतों में लगाते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बोया करते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न होने पर लोग चांदी के बर्तन आदि भी खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन माना जाता है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और दुनिया का सबसे संपन्न व्यक्ति है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया गया जहां किसी भी स्त्री का परछाई भी न पड़े। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत
राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे। उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे कि उसी में से यम देवता से विनती की, यमराज क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हाँ है, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आज भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही वजह है कि धनतेरस इसी दिन मनाया जाता है और भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए? अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी या अन्य धातु खरीदना अति शुभ माना जाता है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करना चाहिए एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करना चाहिए। धनतेरस की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा आइए हम सुनते हैं। धनतेरस से जुड़ी एक कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के लिए भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे इन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर
वामन भगवान के चरणों में रख दिया, बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इसी उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं धनतेरस के अवसर पर हमें क्या क्या करना चाहिए। कई श्रद्धालु इस दिन उपवास रखकर यमराज की कथा का श्रवण भी करते हैं। इस दिन गोत्रयात्र व्रत भी शुरू होता है। आइए हम एक एक कर हर चीजों को जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी देवता का पूजा किया जाता है, नया झाड़ू एवं सुपड़ा खरीदकर उनका पूजन करते हैं। सायंकाल दीपक प्रज्वलित कर दुकान आदि को सजाते हैं। मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुओं, तालाब, बगीचों में भी दीपक जलाया जाता है। अपने शक्ति के मुताबिक तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोग नवीन बर्तन या भूषण खरीदी जाती है। हल, जूती, मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर तीन बार अपने शरीर पर फेंका जाता है। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर तीन दिन तक दीपक जलाया जाता है। कुबेर की भी पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त में अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में भी पूजा की जाती है। इस तरह से हम कुबेर पर पूजा करते हैं। आप सबों को संपूर्ण वीडियो देखने के लिए सप्रेम धन्यवाद।